बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमने वेरिएबल्स को यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है। सबसे पहले काम क्या होगा, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तभी आप उसको यूज़ कर सकेंगे। उसका सिंटैक्स ये था कि डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम। डेटा टाइप ऑलरेडी हमें पता है, हमने कुछ वैलिड यहाँ पे लिखे थे कि किस तरह हम वैलिड वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन होगा वैल्यू असाइन करना, यानी पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सारे को डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। किसी को समझ ना आई हो या पिछली वीडियो उन्होंने स्किप कर दी हो, तो वो प्रीवियस वीडियो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके इस सारे को समझ सकते हैं। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल को करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आप वेरिएबल यूज़ करेंगे। अभी हम एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं और उसके साथ काम करते हैं, और फिर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इसी एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेना है। मैंने कहा था वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते होते हैं। तो हमने सपोज़ किया था कि एक वेरिएबल हम लेंगे जिसके अंदर हमने 3 स्टोर करना है, और फिर उसी वेरिएबल के अंदर 2 को ऐड करके हमने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करना है। तो अब वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर करनी है, तो इसका मतलब है मुझे वेरिएबल किस टाइप का लेना चाहिए, 3, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, तो हमें वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। तो इंटीजर और हम वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। तो एक्स नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि डिक्लेयर जब वेरिएबल हो जाएगा, यानी एक हमारे पास बॉक्स बन गया जिसके अंदर हम अब वेरिएबल वैल्यू रख सकते हैं, तो उसको वैल्यू रखवाने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे क्या यूज़ होगा, इस साइड पे वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम क्या है, एक्स। और असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे क्या होगी, वैल्यू, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो अब हमने इस एक्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है, 3, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3 किसके अंदर चला गया, एक्स के अंदर। यानी आप अगर यहाँ पे इतने तक आपसे कोई पूछे, तो आप कह सकते हैं कि इस लाइन के अंदर एक हमने बॉक्स बना लिया जिसका नाम एक्स है, और इस लाइन के अंदर हमने उस बॉक्स के अंदर 3 को पुट कर दिया, 3 उसके अंदर रखवा दिया। अब क्या करना है, हमने करना था इस एक्स के अंदर 2 को ऐड करके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जस्ट एक्स, अभी हम क्या करते हैं जस्ट एक्स लिखता हूँ, तो क्या एक्स की वैल्यू मुझे डिस्प्ले होती है, क्योंकि हमने कहा था कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो हम कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करके डिस्प्ले करना चाहें, या यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहें, तो हमने प्रिंट एफ किस तरह यूज़ करना है। प्रिंट एफ के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल किस टाइप का है, या यहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू इंटीजर टाइप की है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %d। तो एक्स किस टाइप का है, एक्स इंटीजर टाइप का है। एक्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, यानी एक्स के अंदर वैल्यू जो स्टोर पड़ी है वो किस टाइप की है, इंटीजर की। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, %d, क्योंकि इंटीजर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, %d। तो अब इस %d की जगह क्या आएगी, इस एक्स की वैल्यू आएगी। तो यानी वेरिएबल की वैल्यू जब भी डिस्प्ले करना होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे, और जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा उस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाएगा। आप इसको रन करके देखें, तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे 3 डिस्प्ले होगा। ये देखें, रिजल्ट 3 हमें डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखें, ये तो हमें समझ आ गई कि इस तरह हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना कर सकते हैं। अगर देखें मैं रिजल्ट से पहले 3 को डिस्प्ले करना चाहूँ, तो मैं मुझे जस्ट %d को चेंज करना पड़ेगा।
मैं परसेंटेज डी को रिजल्ट से पहले ले आऊँगा तो 3 जो है वो रिजल्ट से पहले डिस्प्ले होगा, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होगी जहाँ पे परसेंटेज डी आ रहा होगा। अभी आपने देखा कि आउटपुट के अंदर हमें नज़र आया था कि रिजल्ट से पहले 3 हमें डिस्प्ले हो रहा था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे ये 3 आपको रिजल्ट से पहले क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इस तरह हम कह रहे थे कि हमें आउटपुट डिस्प्ले होगी, जहाँ पे परसेंटेज डी हम रखेंगे वहाँ पे इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, इस एक्स के अंदर 2 को ऐड करना है। तो इसके अंदर हम प्लस 2 करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब रिज़ल्ट 5 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 होगा, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 5। तो ये देखें हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 5। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब ये देखें, ये तो मैंने किया, एक वेरिएबल को यूज़ किया, मैं चाहूँ तो मल्टीपल वेरिएबल को भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी प्रोग्राम के अंदर लिमिट नहीं है कि आपने एक वेरिएबल यूज़ करना है या दो को यूज़ करना है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट वाई, मैंने इंटीजर टाइप का एक और सेकेंड वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू रखवा देता हूँ ये 2। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई, अब देखें कि सेम रिज़ल्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक और बॉक्स क्रिएट कर लिया है जिसका नाम हमने वाई रखा है और उस वाई के अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक्स प्लस वाई का रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि 3 प्लस 2। तो इसको कंपाइल और रन करें तो आपके पास 5 रिज़ल्ट आना चाहिए, 5 रिज़ल्ट होगा यहाँ पे। आप देखें कि इन वैल्यूज़ को अगर आप चेंज करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या होगा, चेंज होगा, यानी अगर आप पड़ी हुई वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, चेंज होगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को पढ़ा था तो हमने कहा था कि वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। तो वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं, जैसे यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू क्या है, 8। मैं नीचे जा कर दोबारा इसको अपडेट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, -1। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, अब देखें इसने क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना होता है, तो पहली लाइन चलेगी तो x एक बॉक्स बन जाएगा, फिर y के नाम से एक बॉक्स बन गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, x के अंदर 8 रखवा दिया, उस बॉक्स के अंदर आपने 8 स्टोर कर दिया, यहाँ पे फिर y के अंदर 2 स्टोर कर दिया, फिर ये लाइन चलेगी तो आपने x के अंदर पड़े हुए 8 को ख़त्म करके -1 उसके अंदर डाल दिया है। अब देखें इसके बाद ये लाइन आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कौन सी होगी, -1, क्योंकि 8 ख़त्म हो गया है, अब उसमें क्या पड़ा है, -1, -1 प्लस 2 कितना रिजल्ट आएगा, 1। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे रिजल्ट आता है, हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। तो ये देखें हमें रिजल्ट क्या मिला, 1। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं और फिर जो नई वैल्यू होगी वेरिएबल की वो ही यूज़ होगी, यानी जो लास्ट पे आप वैल्यू देंगे उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू यूज़ होगी। लेकिन अगर आप किसी स्टेटमेंट के बाद में वो वैल्यू चेंज करते हैं तो फिर वो वैल्यू आपको हो सकता है डिस्प्ले ना हो, जैसे यहाँ पे मैं y की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, लेकिन ये प्रिंट एफ के बाद किया है तो यहाँ तक तो y की वैल्यू क्या थी, 2 ही थी, तो यहाँ तक तो 2 ही यूज़ होगी और रिज़ल्ट 1 रहेगा, उसके बाद y की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, यानी नीचे जाके वैल्यू अपडेट हो रही है, तो यहाँ तक तो वही वैल्यू रही, तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा बल्कि हमें वही 1 रिज़ल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगी लेकिन हमें नज़र नहीं आएगी। अगर हम देखना चाहें कि वाकई y की वैल्यू 8 हो गई है तो हम y की वैल्यू को क्या करवा देते हैं,
प्रिंट करवा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा न्यू लाइन पे प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें नज़र आए। तो न्यू लाइन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्लैश एन को, तो स्लैश एन हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं स्लैश एन पहले, क्योंकि पहले न्यू लाइन आए और फिर उसके बाद परसेंटेज डी की जगह वाई की वैल्यू क्या हो, डिस्प्ले हो, और y की वैल्यू क्या अब है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आएगी कि क्या है, 8 है। पहले हमें रिजल्ट डिस्प्ले हुआ 1, उसके बाद हमें y की वैल्यू डिस्प्ले हुई कि वो क्या है, 8 है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल यूज़ हो रहे हों, हम उतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, फिर उनमें वैल्यूज़ रखवा सकते हैं, फिर उन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, थर्ड इंट और जी। यहाँ पे क्या किया है मैंने, जी के नाम से एक और वेरिएबल बना लिया है। इस जी के अंदर क्या करता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे ये देखें कि जैसे ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा था एक्स प्लस वाई का, यानी 2-1, 1, यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले होता था, अब जी के अंदर भी क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 1 जाएगी, यानी क्या होगा एक्स प्लस वाई 2-1 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जी के अंदर 1 चला जाएगा। तो मैं इसको डिस्प्ले, यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करने के बजाय, यानी दोबारा एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिखूं, उससे बेहतर नहीं है मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, जी। तो अब क्या होगा, उसी तरह मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, आप देखेंगे कि क्या होगा, रिज़ल्ट 1 होगा। तो हम इस तरह भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को एक्सप्रेशन भी, जैसे मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन एक लिखी है और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू, इसको सॉल्व किया जाएगा, यानी यहाँ पे इसका प्रॉपर सॉल्व होगा और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो असाइन किसको हो जाएगा, इस जी को, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इसी की मुख्तलिफ और एग्जांपल्स और मुख्तलिफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ फार्मूलाज को और कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को, कैसे हम उसे कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उन एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, और वो कैसे सॉल्व होंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।